लड़ाई भी तेरे साथ ही करूंगा और परेशान भी तुझे ही करूंगा, क्योंकि प्यार भी तो तेरे से करता हूँ ना, और रहना भी तो तेरे साथ ही है ना। कोई दिखा कर रोता है तो कोई छुपा कर रोता है, और हमें रुलाने वाला तो खुद रुला कर रोता है। अरे मरने का मजा तो तभी है दोस्तों जब मारने वाला भी जनाजे पर आकर रोता है। ऐसी और वीडियोस के लिए यूज करें हेलो ऐप। हाँ मैं भी अपलोड कर सकता हूँ तेरी पिक इंटरनेट पे हैप्पी न्यू ईयर लिख करके, पर मैं नहीं चाहता ना कि मेरे अलावा कोई और तेरी फोटो को लाइक करे। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी ना उसने मुझे उतना ही गिरा समझा है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये वीडियो देखने वाले को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और धारा 1-1-2020 के तहत साल भर खुश रहने की सजा। ओके सुन मत देख ये वीडियो, मत देखना। अच्छा देख ही रहा है तो सुन, आई लव यू। पता है मैं हमेशा पूछता था कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या, पर मुझे बाद में याद आया कि तेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं ही हूं ना। मैं न्यू ईयर पे अपने बेस्ट फ्रेंड को बस इतना ही कहना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर कमीने, अब इस साले एक कॉल तो कर ले। ओए सुन तू ना बहुत क्यूट है सच में, कसम से यार। अरे तेरी कसम, और अभी ना तेको हग करने का मन कर रहा है बहुत जोर से। प्यार में लोग कहते हैं कि नो थैंक यू नो सॉरी, पर सच बात पता है क्या है, यही दो वर्ड ना रिश्ते बस। देख भाई सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर तेरी लाइफ में खुशियां आई है ना मुझे मत याद कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मुझे ज़रूर याद किया कर, क्योंकि अगर मुझे पता लगा कि तू प्रॉब्लम में है और तूने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यार मुझे ना वो पुराना वाला तू चाहिए जो मेरे से बहुत सारी बातें करता था, मुझसे बहुत प्यार करता था, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता था, और हाँ मुझे खोने से डरता था। रोज स्टेटस लगाता हूँ तेरे लिए, पर बात इतनी सी है कि तेरा कभी रिप्लाई नहीं आता। पागल तेरे लिए ही तो लगाया है, एक मैसेज करने में क्या जाता है तेरा। ओए सुन तेको पता है अगर तेरे से बात हो या ना हो, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि इस दिल में हमेशा तू ही रहेगा। जब एक नया रिश्ता बनता है ना तो बहुत वादे किए जाते हैं, बहुत कस्में खाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं, और जब मन भर जाता है ना तो लोग ऐसे दूर चले जाते हैं जैसे कभी कुछ था ही नहीं। ओए सुन तेरे से तो बहुत कुछ कहना था मेरे को, पर प्रॉब्लम ये है कि जब तू मेरा हाल नहीं समझ पाया तो बातें क्या समझता यार। नहीं पसंद मुझे कोई मेकअप वाली, मैं तो उसकी मुस्कान पर मरता हूँ। अरे क्या फ़ायदा उस झाग वाली कॉफ़ी का, क्योंकि मैं तो बस उस कुल्हड़ वाली कड़क चाय पर मरता हूँ। ये कमीने आजकल के दोस्त हैं ना ये साले इतने बिजी हो गए हैं कि इनको ना ये बताने का भी टाइम नहीं है कि मैं बिजी हूँ। वाह वाह क्या बात है। मेरा एक दोस्त था जो खो गया है, उसके बिना ना जिंदगी अधूरी सी हो गई है। अब कैसे बताऊँ यार कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। यार आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं क्या, उसका रिप्लाई देना, ये कौन सा टेम्पल है और कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में। चाह कर भी नहीं पूछ सकता उससे क्या हाल है तेरा, कहीं वो ये ना कह दे कि ये हाल पूछने का हक तेरे को किसने दिया। देख यार साफ बात बताना चाहूंगा तेरे को कि बात करने के लिए मेरे पास बहुत लोग हैं, पर पता नहीं क्यों हमेशा तेरे ही कॉल का इंतजार रहता है मेरे को। जाते जाते तू दिसंबर तू अपनी औकात दिखा रहा है, जाते जाते तू दिसंबर तू अपनी औकात दिखा रहा है, ठंड क्या कम पड़ रही थी जो तू बारिश भी करा रहा है। ओए सुन कॉल कर ले यार प्लीज, बहुत टाइम हो गया, मिस यू। ओए सुन देख मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे शादी के कार्ड पे जो तेरा नाम होगा ना उस नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए। ये प्यार वाला गुस्सा भी ना अजीब होता है यार, दोनों ऑनलाइन रहेंगे एक दूसरे की डीपी देखेंगे लेकिन मैसेज कोई नहीं करेगा। कंधे पर बैग तो आज भी वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले किताबें होती थी और अब जिम्मेदारियां। आज ना बहुत ज्यादा ही सैड हूं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस किसी की ना बहुत याद आ रही है। ओए सुन तेको पता है जिससे प्यार हो जाता है ना उसको सताने में बहुत मजा आता है, जैसे तेरे को।
दिल करता है ना कि तेरे से लिपट कर तेरे को बताऊं कि कितना दर्द होता है तेरे से दूर रहकर जीने में। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर निकल जाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे रोज रोज बात नहीं कर सकते, लेकिन जरा तुम भी तो समझो कि मैं तरसता हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए।